किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है. These were the exact lines which were stated by Supreme Court. Bulldozer action, जिससे हम सभी वाकिफ हैं, इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि एक व्यक्ति जो किसी अपराध में आरोपी है, सरकार क्विक एक्शन लेते हुए उस आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा देती है. ये भी नहीं देखती कि वो जो घर है वो लीगली कंस्ट्रक्टेड है या इलीगली कंस्ट्रक्टेड है. कोई प्रायर नोटिस सर्व नहीं किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. और ये भी नहीं देखा जाता कि उस एक कदम के वजह से उस आरोपी के पूरे परिवार वाले सफर कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पिता का बेटा उदंड हो सकता है, लेकिन इस आधार पर घर गिरा देना यह कार्यवाही का सही तरीका नहीं है. आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. इस मामले से जुड़ी जो भी पार्टियां हैं वो सुझाव दे. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशंस मांगा है और कहा है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर के प्रॉपर गाइडलाइंस जारी करेगा जो कि ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगा. किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी को केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है. सुप्रीम कोर्ट ने लीगल मैक्सिम ऑडी अल्टरम पार्टम लीगल मैक्सिम पर फोकस करते हुए ये कहा कि उस आरोपी को भी सुनने का पूरा अधिकार है और प्रॉपर ट्रायल के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा. ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए फॉलो करें नॉलेज ग्रिप चैनल को. थैंक यू.